फोन करते हैं आ बच्चे आके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा, तो जो बच्चा जाके दिखाता ओहो तू बोल सुन नहीं सकती। पर मैं सरकार ये राइट नहीं दे सकती किसी भी बंदे नू कि मेरे बच्चे नू बार बार उन्हें जाके जलील किया जाए। स्टेट लैवल बोलते बच्चों के बेच इन्हें बेस्ट वूमन भी है, स्टेट चैंपियन भी है और 10 बारी नैशनल भी खेडी हुई है। क्यों मेरे बच्चे नू परेशान किया जा रहा है? मैं अज इल्जाम लगा रही हूँ सरकार के उत्ते, मेरे बच्चे नू दिमागी तौर के उत्ते सरकार ने बार बार परेशान किया। मैं यही कहनी है नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी लड़ सकती है, ये खोखले दावे है। हर जगह के उत्ते बच्चे नू यही गल याद दवाई जाती है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती। इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते जाके उन्हें धज्जियां उड़ाइया हुई ने बाहर दे प्लेयरां दियां, अपने स्टेट लैवल नैशनल लैवल दे उत्ते जाके दूजियां स्टेटां दे नाल जाके लड़ती है और मैडल लैके आती है। 7 वारी गोल्ड मैडल लियाना कोई ऐवें खेड है? लिखा होया कि मैं हेयरिंग इंपेयर्ड हैगी हाँ, कि सरकारां नूं मैनूं लगता शायद इंग्लिश नहीं पढ़नी आती हैगी कि हेयरिंग इंपेयर्ड का मतलब की हुंदा है। जो साल दो साल तीन साल के बाद दे विच जाके जो कहता वेट कर करके तो उदो सरकार कहनी है वो बच्चे तू तो बोलता सुनना ही नहीं है, तेरे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं हैगी। पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सी असी उन्होंने बड़ी बार मिले जाके तो उन्होंने बच्चे एको ही हौसला देंदे रहे, बच्चे असी बैठे हुए हैं तेरे मैडल होर लैके आ। मलिका ने अपनी गेम के नाल नाल ग्रैजुएशन भी कर ली, तो जो असी सरकार के कोल गए तो सरकार उस टाइम के उत्ते कहती कि ओ हो तू तो गूंगी बोली हैगी है, ये तेरे मैडल वो वाले ने, साढ़े कोल ते कोई पॉलिसी नहीं हैगी। जो भी मलिका उन्होंने कोल गई अपनी सुनवाई लैके, बच्ची मेरी बोली है उन्होंने नाल, हमेशा ही उन्हें अपनी साइन लैंग्वेज इशारों के गल की, तुसी उन्हें डिसेबल कह रहे हो, कोई उन्हें गूंगी बोली कह रहा, उनका कोई राइट नहीं कह रहा, कि उनके मैडल नहीं बोल रहे हैगे। सरकारां दा योगदान उत्थे जीरो ही रहा है, जीरो दे नाल नाल बच्चे नू डीमोरलाइज किया गया है कि सरकारां नू किन्ने राइट दिता सीगा कि मेरे बच्चे दे नाल इस तरह का मजाक किया जाए। अज तुसी देखो कि करोड़ों रुपया जिहड़ा इलैक्शन उत्ते लाया जा रहा है, बेटी बचाओ सब कुछ बचाओ, लेकिन यह जिहड़ी देश का नाम रोशन करने वाली कुड़ी हैगी है उहदी सुनवाई नहीं हो रही। जिहड़े मिनिस्टर बैठे मौजूदा मिनिस्टर बैठे वो सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि उहदी माँ भी बार बार गई है, उन्होंने जाके अपनी फरियाद सुनाई लेकिन किसी ने भी उन्होंने फरियाद सुनना नहीं चाहिए। जो मलिका 15 दिसंबर नहीं बुलाया गया, मलिका यही कह रही है कि मैं फिर 3 वारी सर दे कोल गई उन्होंने घर और वो मैनू मिले नहीं, तो जो 31 दिसंबर उत्थे जाके मैं उन्होंने मिली हाँ तो मैं अगों जाके कहते हैं कि डेफ पॉलिसी नहीं हैगी तुहाडे बच्चों के लिए, कि मोदी जी आके पंजाब च हाल देखो, कांग्रेस सरकार की कर रही है ना बच्चियों का हाल। प्रगट सिंह सर ने तुसी वीडियो भी इंदियां देख सकते हो कि जिंदे विच प्रगट सिंह सर कह रहे हैं कि मैं बच्चे तैनू तेरे नाल खड़ा वा, तेरे नाल खड़ा वा और तेरे राइट तैनू 1 हफ्ते बाद मिलनगे, जो भी तेरा कैश अवार्ड नौकरी है। और जो 31 दिसंबर फिर मलिका उत्थे जाती है तो कोरी ना होंदी है कि वह नैशनल चो 7 वारी गोल्ड मैडल लिया सकती है, इंटरनेशनल चो लिया सकती है और कल्ली कुड़ी है जड़ी इंडिया दी और पंजाब दी जिन्ने एनिया मल्लां मारियां ने। बच्चे नू क्यों होप दिखांदे हो, क्यों दिखांदे हो, जबकि तुहानू पता है उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं हैगी। असी ये पॉलिसियां बनाने दे विच नाकाम हैगे हाँ, क्योंकि असी तो सिर्फ सिलैक्ट हो गए हुए हैं, कोई MLA बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, सानू तो सरकार ही सानू हर जो भी है सानू पैसे आई जाने हैगे ने, ये बच्चे ने इन्हों का की है जी, जिते सानू वोट बैंक ज़्यादा मिलता असी उत्थों जाके उन्होंने एप्रीशिएशन करांगे। दूजियां सरकारां देखो
ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। अज रैड जोन क्राइम न्यूज़ की टीम मलका हांडा विखे मलका हांडा ते घर पहुँची हुई है, जिहड़े चैस के खिलाड़ी है। जिहड़ा मैं कैमरामैन कहांगे एक बार चैस दिखाण हो कि यह जो चैस जो खेलिया जाता वै आमने सामने बैठ के जो दोनों होंगे खिलाड़ी होंगे है, जितने वाला भी खिलाड़ी हों हारने वाला भी खिलाड़ी हों। चैस में दो सामने पता हों कि सामने वाले आप खेड रहे हैं, लेकिन इस चैस के जो खिडारन हैगी है मलका हांडा हैगी है, लेकिन वो खेडिया गया सरकार ने। सरकार जी है जी मौजूदा सरकार है जिसने वादे किए कि साढ़े नाल जो है वै कि असी तेन पूरा हक देवे, सारी जड़ा भी तुहानू मिलदा हक दिखावांगे, लेकिन उन्होंने हक नहीं दिता गया। वह शतरंज का जो खेलने वाला सीगा वह सामने रहा, तेना सरकार ने खेडिया लेकिन जित मलका दी होई, लेकिन किते किते आके मलका हार गई। जो उन्होंने किते भी दफ्तर च गई वह पूछने वास्ते माँ लैके गई नाल, तो उन्होंने कहा गया कि अच्छा तू गूंगी है बोली है, लेकिन उसकी मम्मी का कहना मैं माँ का कहना सीगा कि जेडे फाइलों देखे जाए उस लिखा है, जबकि मोदी सरकार कहती कि हैंडीकैप का सिलेबस हटा दिता गया, जिन्हें देश का नाम रोशन किया सब कुछ किया, लेकिन वो अखों अथरू है, वो माँ के अथरू है। आ जोड़े मैडल तुम देख रहे हो टोटल मलका हांडा ने जितते है, लेकिन मलका हांडा का कहना वै कि मैं इनू प्यार तो बहुत करती हाँ कि लेकिन देश का जोड़ा मैं नाम रोशन किया सब कुछ किया, लेकिन देश ने वोदे की किया, तो आओ असी उन्होंने एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार भैन जी। नमस्कार। तो ये हम उन्होंने मदद जोड़े करते गए, तो तुम ये दसो कि ताकि बेटी ने इन्ने इनाम दिते इन्ने मैडल दिते जो आप दिखा रहे हैं दर्शकों, तो फिर तुम कुछ मिलया नहीं सिला? सिला की मिलना है, उल्टा बच्चे नूं बार 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 उत्थे जाके हताशा ही मिली है, उत्थे जाके निगलैक्शन ही मिली है। जदों भी असी किसी मंत्री दे कोल जाने आ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्योंकि जे इन्हें स्पोर्ट्स दे विच मैडल जीते हुए ने तो साडा राफ्ता स्पोर्ट्स मिनिस्टर नाल ही होएगा। पहले जिहड़े स्पोर्ट्स मिनिस्टर सी असी उन्हां नूं बड़ी बार मिले जाके, तो उन्होंने बच्चे नूं इक्को ही हौसला दिंदे रहे, बच्चे असी बैठे हुए हाँ तेरे मैडल होर लैके आ, तेरे मैडलों की असी जो भी बनता होया हक तेनू देवांगे, तेनू सरकारी नौकरी देई जाएगी, सब कुछ तेनू दिता जाएगा, तू हले पर ग्रैजुएशन कर लै। उदों मलिका प्लस टू सी, मलिका ने अपनी गेम दे नाल नाल ग्रैजुएशन भी कर ली, तो जो असी सरकारां दे कोल गए तो सरकार उस टाइम दे उत्ते कहंदी कि ओ हो तू ते गूंगी बोली हैगी है, ये तेरे मैडल वो वाले ने, साडे कोल ते कोई पॉलिसी नहीं हैगी। मैं यही सरकार नूं पुछना चाहती हाँ, जदों भी मलिका उन्हां दे कोल गई अपनी सुनवाई लै के, बच्ची मेरी बोली है उन्हां दे नाल, हमेशा ही उन्हें अपनी साइन लैंग्वेज इशारियां दे विच गल कीती। ते जदों उन्होंने कहा गूंगी बोली ते तुहाडे उस टाइम की बीती होएगी? मैं यही सरकार नूं यही गल कहना चाहती हाँ सारिआं नूं ही कि असी ते अपने बच्चे नूं कदी इस तरह समझिया ही नहीं सीगा जी। तुसीं उन्हूं डिसेबल कह रहे हो, कोई उन्हूं गूंगी बोली कह रहा, उन्दा कोई राइट नहीं कह रहा, कि उन्दे मैडल नहीं बोल रहे हैगे। अज उन्दे जिहड़े मैडल है उन्हां दी जबान सारा इंडिया बोल रहा है जी। इंटरनेशनल लैवल दे सारे खिलाड़ी उन्दे नाल खड़े ने, जो भी चैस खेडदे ने जां नहीं खेडदे हैगे, पर अपनी सरकार उस मैडलां नूं देख देख के ही गूंगी सरकार बनी हुई है। मेरी बच्ची नहीं हैगी, मेरी बच्ची कैपेबल है, उन्हें अपनी डिसेबिलिटी नूं असी तो कोनू उन्हूं याद भी नहीं दिलाया कि वह कभी बोलती नहीं या सुनती नहीं, क्योंकि असी उन्हूं गेम दे विच ही हमेशा रखिया और वह गेम ही खेडती रही है। वह नॉर्मल बच्चों के ज़्यादा रह के उन्हें खेडिया हैगा, स्टेट लैवल दी बोलदे बच्चों के इन्हें बेस्ट वूमन भी है, स्टेट चैंपियन भी है और 10 बारी नैशनल भी खेडी हुई है। और मलिका नूं इत्थे तक कि जिहड़ी नॉर्मल एसोसीएशन है AICF
उत्थे दे भरत सिंह चौहान है जनरल सैकटरी, उन्हों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा इस बच्चे नू अगे वधाउण दे लई। साडे पंजाब दे जिहड़े पहले जनरल सैकटरी सीगे प्रोफेसर बिक्रमजीत सर, जिहड़े कि फतेहगढ़ साहब तो ने, रजिंदर शर्मा सर, तो हुण जिहड़े रीसेंटली जिहड़े साडे जनरल सैकटरी है, उन्हों का इस बच्चे नू अगे वधाउण लई बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। पर सरकारां दा योगदान उत्थे जीरो ही रहा है। जीरो दे नाल नाल बच्चे नू डीमोरलाइज किया गया है। मैं सरकारां दे उत्ते आई इल्जाम लगांदी आ सारे सब दे अगे कि सरकारां नू किन्ने राइट दित्ता सीगा कि मेरे बच्चे दे नाल इस तरह का मजाक किया जाए जी। मैं उनकी माँ हैगी हाँ। सरकारां अपनी जगह पर ने, पॉलिसियां भी अपनी जगह पर ने, हर चीज़ अपनी जगह पर है, पर मैं सरकारां नू ए राइट नहीं दे सकती किसी भी बंदे नू कि मेरे बच्चे नू बार बार उन्हू जाके जलील किया जाए। जाती है जदों भी फोन करते हैं आ बच्चे आके अपने ओरिजिनल मै सर्टिफिकेट दिखा, तो जो बच्चा जाके दिखाता ओ हो तू बोल सुन नहीं सकती कि सरकारां दे जिहड़े अफसर बैठे हुए ने वो एक बारी भी इस बच्चे की फाइल खोल के नहीं सी देख सकते। बच्चे ने पहले ही लिखा होया है कि मैं हेयरिंग इंपेयर्ड हैगी हाँ, जो तो अपना मा नाम लिखती है और नाल ही उन्हें चैस प्लेयर लिखा होया और नाल ही उन्हें लिखा होया कि मैं हेयरिंग इंपेयर्ड हैगी हाँ। कि सरकारां नू मैनू लगता शायद इंग्लिश नहीं पढ़नी आती हैगी कि हेयरिंग इंपेयर्ड का मतलब की हुंदा है। उन्हां नू तो सिर्फ इक्को ही गल आती है कि यह बच्चा आवे इंदे नाल असी वादा करिए बच्चे नू खुश करके भेज दईए, तो फिर बाद दे विच जदों बच्चा अपना हक मंगदा जदों साल दो साल तीन साल दे बाद दे विच जाके जदों कहिंदा वेट कर करके तो उदों सरकारां कहिंदियां वो बच्चे तू तो बोलता सुनना ही नहीं हैगा, तेरे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं हैगी, हाले असी पॉलिसी बनानी है। मैं यही कहनी हाँ कि सरकारां ने पॉलिसियां बनानियां ने, अफसरां ने पॉलिसियां बनानियां ने, उत्थे जाके बच्चियां ने तो नहीं पॉलिसियां बनानियां कि खेडण दे नाल नाल ये पॉलिसियां बनाने का भी काम करन लग पन बच्चे। कि तुसी की कहंदे हो कि एक बच्चा मैडल भी लिया रहा अपनी नाल नाल पढ़ाई भी रैगूलर कर रहा है, ग्रैजुएशन कर रहा अपने नॉर्मल कॉलेज दे विच्चों जा जाके, और हुण तुसी कहंदे हो कि वो पॉलिसियां भी तुहाडियां आ के बनान। क्यों तुसी कादे लई उत्थे सरकारी तनखावां लै रहे हैगे हो? क्यों उत्थे असीं तुहानूं वोटां दे के चुन के उत्थे बिठाया होया? क्यों मेरे बच्चे नूं परेशान किया जा रहा है? मैं अज इल्जाम लगा रही हाँ सरकार दे उत्ते, मेरे बच्चे नूं दिमागी तौर दे उत्ते सरकार ने बार बार परेशान किया। पहले कैप्टन अमरिंदर सरकार ने, हुण जिहड़ी चन्नी सरकार प्रगट सिंह सर ने, तुसीं वीडियो भी इहदियां देख सकते हो कि जिंदे विच प्रगट सिंह सर कह रहे ने कि मैं बच्चे तैनूं तेरे नाल खड़ा वां, तेरे नाल खड़ा वा और तेरे राइट तैनू एक हफ्ते बाद मिलनगे जो भी तेरा कैश अवार्ड नौकरी है। और जो 31 दिसंबर नू फिर मलिका उत्थे जांदी है ते कोरी ना हुंदी है और बच्चे नू कि उन्होंने की किया उस टाइम की प्रगट सिंह ने की किया? एक तो कहते कि नारी शक्ति बुलंद हैगी है, तो उन्होंने आवाज़ बिल्कुल ही सुने नहीं है, तो आप गूंगे बोले हो गए हो। मैं यही कहनी हूँ नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी लड़ सकती है, ये खोखले दावे है। मैं थोनों साफ कहनी हाँ आज बेटी ने अपने आप नू प्रूव भी करता है, पर हर जगह दे उत्ते बच्चे नू यही गल याद दवाई जाती है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, कि ये बच्चे का कसूर है। क्यों कसूर है? सरकारां दा कसूर है जिहड़े इस बच्चे की आवाज़ नहीं सुन रहे हैगे। ये बच्चा तो बोल रहा है, उनके मैडल बोलते नहीं पे, उनकी गेम नहीं बोलती पई हैगी, इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते जाके उन्हें धज्जियां उड़ाइया हुई ने बाहर दे प्लेयरां दियां, अपने स्टेट लैवल नैशनल लैवल दे उत्ते जाके दूजियां स्टेटां दे नाल जाके लड़दी है और मैडल लैके आती है। 7 वारी गोल्ड मैडल लियाना कोई एवं खेड है? एवं बचपना है? मैं यही सरकार नूं कहना चाहनी हाँ बच्चा नहीं कहेगा तुसी हो, तुसी। तो तुसी देख रहे हो दर्शकों कि जिहड़े हैगे आ मलिका दे मम्मी बहुत गलपे होए हन, कल्पे इस करके रहे हैं कि वह जदों किते जांदे उन्हां दे धी नूं लैके जांदे कि इन्हां इंसाफ दवाया जाए उहदा हक बनदा दवाया जाए, तो मिनिस्टर जिहड़े हैगे उहनां नूं कहिंदे आ कि गूंगी है बोली है, तो जदों उदों कहिंदे आ तो उहनां दा की बीतदी हैगी है कि माँ हैगी है। लेकिन इन्हां वालों तो यही सच होया ना कि जिहड़ियां सरकारां गूंगियां बोलियां हैगियां, तो जिहड़े नारी शक्ति दे बारे कहिंदे कि नारी शक्ति जिंदाबाद बेटी बचाओ सब कुछ करो, लेकिन जिहड़ा ये खोखले दावे है, लेकिन जिहड़ी सच्चाई है जिहड़ी सच्ची सच्चाई जिहड़ी बयान कर रही है उन्हां दी
ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਭਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਸਭ ਕੁਛ ਬਚਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਾ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਲਿਕਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਫ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਿਕਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲਈ, ਲੜਾਂਗੀ ਵੀ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇਖੋ,
कांग्रेस सरकार की कर रही है इन्हां बच्चियां दा हाल। तुसी ते अपने सेंटर दे विच इन्हां नूं इक्वैलिटी दे दित्ती है कि जेड़े बच्चे हैंडीकैप या डिसेबल, उन्हां ने ये वर्ड ही आंदिया नाल ही हटा दिता सीगा कि ये बच्चे दिव्यांग ने। मोदी सर हर टाइम ते इन्हां बच्चियां नूं दिव्यांग वर्ड कहिंदे ने, कदी उन्हां ने हैंडीकैप नहीं किया, कदी उन्हां ने गूंगे बोले नहीं किया, कदी कुछ नहीं किया, और इन्हां नूं पूरा इक्वल राइट दिता होया अपने सेंटर दे विच, क्योंकि सेंटर चों ही मलिका नूं नैशनल अवार्ड 2019 दे विच अपने राष्ट्रपति जी कोलों मिलिया होया। उही अवार्ड लई मलिका ने अपने स्टेट दे विच भी सेम फाइल दित्ती सी, मैं ये मैनशन करना चाहनी हाँ, सेम फाइल 250 पेजां दी अपनी स्टेट अवार्ड लई भी दित्ती सी, और जिथे कि स्टेट अवार्ड भी नहीं इहनूं मिलिया। और मलिका उस टाइम ते इन्नी ज़्यादा अपनी स्टेट दे नाल इहनूं इन्ना कु ज़्यादा प्यार है कि मलिका ने नैशनल अवार्ड मिलन दी एक पासे खुशी सी, ते पर जदों स्टेट अवार्ड इहनूं नहीं मिलिया उहदा इहनूं दुख भी सीगा, और बच्ची ने बड़ा उस चीज़ नूं महसूस भी कीता सी। अज सरकार दे खिलाफ़ जे मलिका ने अपना कुछ ट्विटर दे उत्ते पाया है ना, तो इस दी जिम्मेवार भी सरकार की है जी। क्योंकि जानते हो हाँ जी जी असी करांगे करांगे करांगे, बच्चे तेरे नाल खड़े हैं, बच्चे नू क्यों होप दिखांदे हो, क्यों दिखांदे हो, जबकि तुहानू पता उन्दे लई कोई पॉलिसी नहीं हैगी। असी ये पॉलिसियां बनाउण दे विच नाकाम हैगे हाँ, क्योंकि असी तो सिर्फ सिलैक्ट हो गए हुए हैं, कोई MLA बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, सानू तो सरकारी सानू हर जो भी है सानू पैसे आई जाने हैगे ने, ये बच्चे ने इन्हां दा की है जी, जिथे सानू वोट बैंक ज़्यादा मिलता असी उत्थों जाके उन्हां नू एप्रीशिएशन करांगे। ये बच्चा तो इक्को ही बच्चा हैगा स्टेट दे विचों, स्टेट चों भी ते इंडिया दे विचों भी, इस बच्चे का की करना है ध्यान, इन्हें की कर लेना, एक वोट ही पानी है ना, या इनकी फैमिली दे चार मैंबर ने, नहीं इस बच्चे नाल सारी दुनिया है, सारिया स्टेटा अगे आ रही ने इस टाइम के उत्ते। तुसी देखो इन्हें जदों की वीडियो पाई है दूसरिया स्टेटा दे विच इन्दे किस तरह उत्थे अगले आ रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि 2-3 दिनों दे विच दूजिया स्टेटा तो बंदे आ रहे हैं, और साढ़े घर दे विच इस बच्चे की हौसला अफजाई लई आ रहे हैं, और अपनी सरकार हले भी उत्थे दी उत्थे ही है, अपने कमरियां दे विच जो भी है हीटर लगा के बैठी हुई है भी जी जी ठीक है जी, असी तो मिनिस्टर बन गए हैं, तो हुण तो साडा तो कोई गल नहीं, असी तो मिनिस्ट्री करनी करनी है। दूजिया सरकारां देखो फ्लाइटां दीआं टिकटां लै लै के साडे घर आ रही ने साडे बच्चे नूं एप्रीशिएशन करन लई, शर्म है इस सरकार दे उत्ते। तो असी भैन जी की गल करते हैं, हुण असी मिला रहे हैं जिहड़े मौजूदा MLA प्रगट सिंह हैगे आ ते खेड मंत्री भी है, असी उन्हां नूं फोन मिला रहे हैं ते देखते हैं कि वह की कहना चाहते हैगे आ, तो इन्हों भी पता वा कि वह कह रहे कि फोन नहीं चुकया जाएगा, तो हूँ आप देखाने कि प्रगट सिंह का फोन असी मिला रहे हैं, तो हूँ देखते हैं कि वह फोन साडा चक दे या नहीं चक दे, कि असी उन्होंने असी गलबात कर सकी। तो फोन नंबर उन्हों का ही है वा, तो ये जो भी फोन किया जाए तो यह चकते नहीं है। असी चाहते हैं कि जिहड़ी मौजूदा सरकार आ, पंजाब सरकार आ, चन्नी सरकार जिहड़ी वादे कर रही है, असी लोगों के वास्ते कर रहे हैं, तो असी चाहवांगे कि मलिका वास्ते भी कुछ ना कुछ उहदी आवाज़ बुलंद की जाए, उहदा जिहड़ा बनदा हक दिता जाए, तो साढ़े को यही है कि बेनती कि सरकार सुने, बेनती नहीं कहांगे उहदा हक है, हक बनदा वै, हक लैना चाहिए वै, तो नहीं तो सरकार दे जिहड़े झूठे वादे जिहड़े हैगे आ, बिल्कुल झूठे वादे नज़र आ रहे सरकार दे, कि असीं कुड़ियां वास्ते ये कर रहे हैं, कुड़ियां वास्ते जनानियां वास्ते ये कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें देश का नाम रोशन किया, अज जेकर आम पार्टी भी आती है कहती 1000 रुपया दिता जाएगा औरतों को दिता जाएगा, लेकिन आम पार्टी जो आएगी आएगी, लेकिन मौजूदा सरकार प्रगट सिंह को यह जो मावं तियाँ रुल रही हैं, जाके अपनी अपनी फरियाद सुना दी, माँ बेचारी जाकर देखो तुम वह की हालात है, तो कुड़ी जो सामने खड़े कर दोगे तो वह की हालात होंगे, तो प्रगट सिंह चाहिए है कि यहाँ जाके कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैं सतपाल वर्मा कैमरामैन चाहत गिल के नाल।